हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल रात के जब मैं ब्लॉग एंड कर रही थी तो मैंने रात में आपको बताया था, दिन में नहीं बता पाई थी, लेकिन रात में बताया था। तो अभी तो जो है अभी तो रात हो चुकी है एंड हम लोग का प्लान था आज कहीं बाहर चलते हैं मूवी देखने, ब्लॉग बनाऊँ और इस और आपको बताऊँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी ये बता रहे थे कि कोई नया मॉल खुला हुआ है, अभी नया ओपनिंग हुई है, चलते हैं उस मॉल में और देखते हैं कि भाई लखनऊ में कोई नया मॉल खुल गया है, कौन सा खुला है जो मुझे नहीं पता है। तो इसी बहाने आपको भी पता चलेगा कि लखनऊ में कौन सा मॉल खुला है। चलिए चलो सेलिब्रेट करते हैं, खूब सारा एंजॉय करते हैं, चलिए। तो हम लोग तैयार होके आ चुके हैं मॉल एंड हम लोगों ने यहाँ पर मूवी देखी है गॉडज़िला एक्स कॉन्ग। तो ये मॉल है वरदान खंड सेक्टर 1 गोमती नगर में, ये अभी नया मॉल खुला हुआ है। तो ये मेरे देवर जी आगे आगे भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गाने बहुत प्ले हो रहे थे बच्चों वाले, कोको मेलन सॉन्ग, तो इन्हें बहुत अच्छे लग रहे थे क्योंकि मेरे दिन घर में दिन भर कोको मेलन चलता रहता है। तो ये डांस करने लगे तो वो सॉन्ग तो नहीं सुना सकते थे आपको, एज यू नो यहाँ पे जो कॉपी राइट आ सकता था। तो देखिए अभी भी काम चल रहा है, अभी भी मतलब पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं हुआ है मॉल, कोने कोने में सामान भरा हुआ, काम चल रहा है। तो ये ऊपर का जो यहाँ पे टॉप फ्लोर पर होता है ना मूवी का, तो ये ऊपर के फ्लोर पर दिया हुआ है मूवी का पूरा, बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, अभी तो सुंदर लग रहा है देखने में। लेकिन बाकी मॉल्स के कंपैरिजन में अगर मैं सच्चा रिव्यू दूँ, है ना, किसी को बुरा ना लग जाए ये सोचकर अगर मैं सही रिव्यू दे रही हूँ, तो बाकी मॉल से इतना अच्छा नहीं बना है, इससे अच्छा तो आईनॉक्स भी लगता है देखने में। तो ये सिंपल से एक मॉल बन गया है, तो अभी तो काम ही चल रहा है, क्या पता कुछ और इसमें क्रिएटिविटी हो अभी। तो ये हम लोग मॉल पहुंच गया लेकिन ये अंदर एंट्री नहीं मिली क्योंकि टिकट्स थी मेरे हस्बैंड के पास, तो हम लोग वेट कर रहे थे हस्बैंड जी का कि आ जाए तो ये टिकट दिखा तो हम लोगों को अंदर एंट्री मिले। इन्होंने टिकट दिखा दी, हम लोगों ने मूवी देखना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर भी हम आवाज़ नहीं दे सकते थे क्योंकि उसकी कॉपीराइट आ जाता, सेम प्रॉब्लम हर जगह। मूवी काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी थी, तो बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत इन्जॉय करेंगे अगर बच्चे देखते हैं तो। मेरे हस्बैंड जी बना कर रहे थे रिकॉर्डिंग ना करो, मैंने कहा थोड़ी सी तो रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। हमारे ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए अगर कोई बात करना चाहते हैं। चलो बाय बाय, गुड नाइट।